नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं पंडित हरीश तिवारी जी। पिछले हिस्से में हमने उनके संगीत सफर पर बातचीत की और जैसा कि हमने वादा किया था कि ये हिस्सा हम डेडिकेट करेंगे पूरी तरीके से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के उनके गुरु के तौर पर जुड़ने और तालीम देने की कहानी, उसके संदर्भ और उसके किस्सों पर। तो ये बातचीत शुरू करते हैं। इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में पंडित जी, अब हम बात करेंगे आपके संगीत सफर के उस पहलू पर जो बहुत दिलचस्प भी है और बहुत ही सिखाने वाला है, और वो पहलू है निश्चित तौर पर भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जी का आपके गुरु के तौर पर आपसे उनका जुड़ाव। अब जितनी मेरी जानकारी है, और अभी आप पिछले हिस्से में बता भी रहे थे कि बाबा कारण साहब ने आपके लिए चिट्ठी लिखी, तो ये जानना दिलचस्प है कि मतलब थिएटर के इतने बड़े नाम हैं वीबी कारण, वहां तक आप कैसे पहुंचे, उन्होंने कैसे चिट्ठी लिखी आपके लिए, जरा ये पूरा वाकया बताइए। जी जी, मैं जैसा कि आपको बताया था पिछले बार में कि बनारस में मैं जब सीखता था तो वहां पंडित श्रीकांत मिश्रा जी पखावज वादक थे। अच्छा, वो नामी आर्टिस्ट थे, उनको टुन महाराज के नाम से लोग जानते थे बनारस में, टुन महाराज। तो वो हमारा गाना सुनते थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और यहाँ से भागो, यहाँ से तुमको मंच पे आना है गाने के लिए, तो यहाँ पे डेवलप नहीं होगा तुम्हारा गाना। जो मेरा टेस्ट था तो उसको हमने बोला यहाँ हम जाना चाहते। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखा गुंदेचा ब्रदर्स के पास। अच्छा, पंडित उमाकांत गुंदेचा, रमाकांत गुंदेचा, पंडित रमाकांत गुंदेचा जी, तो उनके पास गए। तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे और अभी भी सपोर्ट करते हैं, जो नए जो सीखना चाहते हैं, जो भी जिस जितना बन सकता है उनसे तो उतना वो करते हैं। तो हम लोग गए और थोड़ा हम लोग उनका गाना सुनते थे तो पहचान भी थोड़ी सी थी, तो उनके मार्फत ज्यादा असर हुआ उस बात का। तो उन्होंने उनके यहाँ हम पहुंचे, तो वो सुबह सुबह पहुंच गए उनके यहाँ भोपाल में, वो बैठ कर अपना रियाज कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग फ्रेश वर्स हो जाइए, तब तक तैयार होके। हम लोगों ने बताया कि ये जब बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम अभी देखते हैं। तो फिर हम पहले अशोक बाजी वाजपेयी जी के पास गए, तो वो भी संगीत के बहुत सारे उनके बहुत बड़े आदमी हैं, वो अफसर है, तो उनके पास हम गए भी। उन्होंने एक बात रखी कि आपको जहां जाना है वहां हम आपके लिए चिट्ठी लिख देंगे, लेकिन पंडित भीमसेन जोशी जी से मेरा ज्यादा जान पहचान नहीं है, उनका गाना सुना है हमने और मूडी आर्टिस्ट है वो। तो हमने उनको बोला कि वो सभी आर्टिस्टों का नाम गिना दे कि यहाँ आप जाना चाहे मैं चिट्ठी लिखूंगा, यहाँ जाना चाहे मैं, देखिए हमको एक ही जगह जाना है, हमको जाएंगे तो वहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम जहाँ सीख रहे हैं वहीं सीखेंगे। मेरे मन में ये है कि अगर हम घर शहर छोड़ेंगे तो हम उनके लिए ही छोड़ रहे हैं, वहां जाएंगे। तो हमने बोला फिर भी आप बड़े लोग हैं, एक चिट्ठी लिख दीजिए, ये एक बड़ा चिट्ठी लेके जाऊंगा, असर होगा उसका। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया जो ऐसे ऐसे ये प्रतिज्ञा करके चले हैं हम आपके पास ही सीखेंगे, तो वो भी चिट्ठी दे दिया था मैंने। फिर बाद में शाम को ये गुंदेचा बड़े बड़े वाले उमाकांत जी, वो शाम को आए, बोले हरीश भाई अब आपका काम 100% हो जाएगा, क्योंकि बाबा जो है आज मिले हैं, उनको सभी बाबा बोलते थे कारण साहब, तो कारण साहब से मिले हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं जी शाम को हैं। तो वही भारत भवन में उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला ठीक है हम एक चिट्ठी आपको लिख देंगे, और एक किताब उन्होंने दिया, एक पुस्तक जो है तानसेन नाम की किताब है, वो प्रेमलता जी ने लिखी है, उसमें सभी तानसेन के पद हैं। तो उन्होंने बोला ये पुस्तक जो है पंडित जी को दे दीजिएगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद वहां जाने वाला हूँ, तो तब तक आप पहुंच जाएंगे तो पंडित जी थोड़ा देख लेंगे, ये पद पंडित जी के रिकॉर्ड कराने हैं। तो वो मैं चिट्ठी लेके गया गुरु जी के पास। दूसरे दिन उस दिन रात को हम जहाँ कहीं रुके थे, तो सुबह फोन किया तो बताया कि 11 बजे तक आइए उनके घर में, जो है हमारी गुरु माँ ने फोन उठाया था, उन्होंने बोला कि 11 बजे के बाद आइए आप। तो 11 बजे हम पहुंचे, फिर गुरु जी आए वहां से अंदर से, फिर सब फल वगैरह रखा, ये सब फलाहार करो गुरु जी ने बोला,
हमने चिट्ठी दिया तो पढ़े, उन्होंने बोले ये कहाँ तुमको मिल गए। हमने बताया ऐसे ऐसे हम उसके लिए उनके पास गए थे, तो उन्होंने एक किताब दिया है आपको रिकॉर्ड करना है, हाँ उनसे बात हुई है मेरी फोन पे। तो फिर उन्होंने चिट्ठी पढ़ा, उन्होंने बोला, फिर उन्होंने यही बताया कि वो चिट्ठी में लिखा हम बनारस में थे, कहाँ से भाई बनारस से हम है। उन्होंने बोला कि बनारस में तो वहां पे बनारस में पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य लोग वहां पढ़ा सिखाते हैं। हमने बोला जी हाँ सभी लोग वहां सिखाते हैं भाई। तो एन राजम को जानते थे, श्रीमती एन राजम जो है वायलिन वादिका, उनको बोलते थे राजम राजम जी वही है ना। हमने कहा जी हाँ वहीं पे है। बोले यहाँ आई है वो, हमारे यहाँ आई है। तो फिर बड़े उससे उन्होंने बोला, बड़े खुश हुए। फिर बोले कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं फरवरी के महीने में गया, फरवरी के लास्ट में होली का मौसम आने वाला था शायद, तो ये हमको थोड़ा सा याद है। तो उन्होंने बोला कि मार्च का वही एक दो तारीख था कुछ, वही दिन हम लोग फरवरी के लास्ट में गए थे। तो उन्होंने बोला कि मई में आना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मई में आना, मैं जरा आवाज सुनूंगा तो बताऊंगा। चिट्ठी लिखने के बाद भी वो तो चिट्ठी सुन देख लिया उन्होंने, लेकिन मेन तो चीज ये है कि टेस्ट हाँ लेना है। फिर बिल्कुल हम उन्होंने बोला पहले टेलीग्राम करना फिर आना यहाँ। तो हम टेलीग्राम कर दिए, जवाब का बिना इंतजार किए मैं दूसरे तीसरे दिन ट्रेन पकड़ लिया। उन्होंने कहा गुरु जी बस टेलीग्राम करना चल देना वहां से। तो गुरु जी का कहने का मतलब कि टेलीग्राम देना, उधर से जब जवाब आएगा तो जाना। तो हम पहुंच गए, तो गुरु जी को देखिए 2-3 महीने के बाद गए हैं, उनके पास तो रोज करोड़ों लोग हजारों लोग लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी याददाश्त इतनी तेज थी, गेट पे मैं गया तुरंत पहचान लिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तो तुम कल आना शाम को। फिर मैं उस दिन दूसरे दिन शाम को गया, तो बोले हमारा शागिर्द रियाज कर रहा है पीछे, माधव पंडित माधव गुड़ी जी गुरु जी के पास रहते थे, तो वो रियाज का सीनियर शागिर्द हमारे गुरु जी के हैं। तो वहां रियाज करते तो वहां बैठे हम। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने बुलाया कि बुला रहे हैं पंडित जी। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि आज हमको कहीं जाना है तुम कल आना। फिर दूसरे दिन भी मैं गया, दूसरे दिन भी उन्होंने फिर से बुलाया, बोला आज मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। ऐसे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे चला। तो देखिए गुरु इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक तो वह कहीं भी टाइम भी नहीं रहता है उनके पास। तो फिर एक समय आ गया, एक दिन आ ही गया कि गुरु जी आए। और उस दिन जो है तबला संगतकार भी वहां माधव गुरु जी के साथ एक तबला जो संगत करने के लिए आए थे, सुभाष जी कामत, सुभाष कामत पंडित चंद्रकांत कामत के लड़के हैं, जैसे भरत कामत है ना उन्हीं के भाई, बड़े भाई। तो माधव भैया को रियाज करा रहे थे, तो गुरु जी आए, उन्होंने बोला भाई ये तंबूरा दो, मराठी में बोला उन्होंने कि तंबूरा दो ये बनारस का है, जरा आवाज सुननी है इसकी। तो अब गुरु जी के सभी शागिर्द वहां बैठे थे, ये पंडित माधव गुड़ी जी तो थे, ये तंबूरा मिला के दिया उन्होंने, उपेंद्र भट्ट और भी कई लोग थे वहां। तो कोई तो मालकोस सुनाया मैंने, राग मालकोस। जी तो उसमें हमको जो तालीम वैसे बनारस में मेरी अच्छी हुई थी, तो हमारे गुरु जी ने बोला कि ये बताओ शौकिया गाना सीखना है कि धंधा करना है इसका। सेंटेंस उनका यही था, ये डिट्टो यही सेंटेंस था, अच्छा ये बताओ कि गाना शौकिया गाना सीखना है या धंधा करना है इसका। हमने बोला नहीं धंधा करना है इसका। उन्होंने बोला इसके लिए लाखों में एक बनना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना होगा इसके लिए। तो हमने बोला जैसे मैं हाजिर हूं इसके लिए, जैसा आपका आदेश होगा। तो फिर मेरे गुरु जी ने वो दूसरे दिन बुलाया सुबह, तो सुबह आना 8 बजे। तो मैं वहां से कुछ दूरी पे रहता था, मतलब वो लगभग 12-14 किलोमीटर दूरी पे था, वो कोंढवा एक जगह है कोंढवा। जी तो वहां हमारे रहने की व्यवस्था जो हुई थी, मैं केवल एक वहां श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपत ट्रस्ट है, तो उसके अध्यक्ष से हम मिले, माननीय प्रताप राव गोडसे जी। तो उन्होंने पूछा, हमने बताया कि मैं बनारस से आया हूँ और गाना सीखने आया हूँ पंडित भीमसेन जोशी जी से। तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया गुरु जी को, बोला ये बनारस से आए हैं, हमारे एक और मित्र भी गए थे साथ में, तो बोला ये आए हैं और ये बता रहे हैं कि हम से आपसे सीखते हैं। बोले हाँ हाँ वो बोला होगा लंबे से और लंबा सा होगा, ऐसा उन्होंने फोन पे बात किया। तो वो शाम को भी आज आने वाला है। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम रहने की व्यवस्था कर रहे हैं,
तो उन्होंने केवल गुरु जी का नाम लेने से उन्होंने हमारे रहने खाने की व्यवस्था कर दी वहां कुंडवा में। तो वहां हमारा रहने खाने की चिंता दूर हो गई और मैं वहां से फिर मेरा तालीम चालू हुआ। तो राग मालकौंस जो आपने जिक्र किया, तो उसको थोड़ा सा गुनगुनाते ही चलिए, इतना खूबसूरत राग है और आपके लिए तो बहुत खास राग है वो। जी, तो बाद में तो खैर जो है हम जो है वो फिर गुरु जी का स्टाइल, हम गाना सुनते रहते थे, थोड़ी स्टाइल आती थी और वही बंदिश गुरु जी गाते भी हैं, वही मैं सुना रहा हूँ आपको। जी और बंदिश तो उस समय छोटा ख्याल हमने पंडित ओंकारनाथ जी का जो था वो सुनाया था उनको, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, तो ये सुनाया था। तो आपको मैं बंदिश दूसरी सुनाऊंगा। तो जी बंदिश के बोल हैं, पग लागन दे मोरे महाराज कुंवर। विलंबित है रचना ये, तो थोड़ा गाते हैं इसको, इसका मूड समझिए जरा। राम राम मिले
गट गट में है राम रमैया, गट गट में राम रमैया, राम रमैया, गट गट में राम रमैया। आसन से मत बोल तो राग मालकौंस की इस रचना के बाद और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानना चाहेंगे पंडित जी आपसे, क्योंकि हम लोगों को तो बस सुनने का सौभाग्य मिला पंडित भीमसेन जोशी जी को, आपको तो मिलने का सौभाग्य मिला, उनसे सीखने का सौभाग्य मिला। अब कैसे एक एक शख्सियत के तौर पर कैसे आप उनको याद करते हैं, मतलब कड़क मिजाज थे, मौज मस्ती वाले थे, कैसे आप एक गुरु शिष्य का जो संबंध रहा वो कैसा रहा आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का जो गुरु का गुरु जी का वो था, गुरु जी मेरे देखने में बड़े सख्त लगते थे ना, देखने में ऐसा नहीं था उनका, बड़े जोखी मिजाज के थे वो, जैसे गंभीर रहते तो ज्यादा बात बहुत कम करते थे, यानी पूरे 5 पेज का काम 1 सेंटेंस में निकालना, 5 पेज में जो लिखेगा कोई जी, या 5 पेज लिख के बताएगा उसको 1 सेंटेंस में, उसका 1 सेंटेंस ऐसा रख देंगे ना उसके आगे कुछ है नहीं, पूरा पूरा सार शब्द रख देते, सार रखते थे वो, ज्यादा बात उनको जैसे बात नहीं, जैसे कई लोग नहीं बातें ज्यादा करते हैं, तो बातें करना उनको ज्यादा पसंद नहीं था, वो बोलते थे जितना भी है करके दिखाओ। उनकी सोच जो थी, मैंने ये देखा, मैंने उनकी सोच क्या थी, बात नहीं करना है, जैसे आजकल तो बातें ही होती है ना मंच पे, ज्यादा बात लोग करते हैं, हम लोगों को तो समय नहीं पड़ पाता, कोई बोलता 1.5 घंटा गाना है वो हमको समय कम पड़ता है, कई लोग तो अपना टाइम पास करते, देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं इतना बात कर रहा हूँ आपको ना, अब जैसे हमको बोलने में थोड़ा हमको भी हिचकिचाहट होती है, बोलना गाना, बोलना गाना दोनों, तो अब ये है कहीं कभी, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में भी नौकरी किए हैं तो उसमें भी बोलना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये परफॉर्मिंग जो है जी, मंच प्रदर्शन ऐसा है कि इसमें बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बोलने का वॉइस कल्चर अलग है और गाने का वॉइस कल्चर अलग है, पता नहीं अब कितने लोग इससे सहमत होंगे, इसको बोलेंगे मानेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि गाने का वॉइस कल्चर अलग है, क्योंकि गाने का बोलने के बाद गाने का नहीं मन करता है, गाए तो सिर्फ गाते रहे, तो गुरुजी मेरे कहीं देखिए मंच पे ज्यादा बोलते नहीं थे, सीधे गाना, वो एक जगह कहीं बोले भी हैं कि हम जब से आए हैं तब से यहाँ लोग बात ही कर रहे हैं, यहाँ बातें ज्यादा हो रही हैं और गाना बजाना कम हो रहा है, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में लोग केवल गाते थे, बात कम करते थे गाते थे, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, अब जैसे कई लोग मंच पर से बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, उनको ये नहीं है कि सामने हमसे सीनियर लोग भी बैठे हैं, अब से कोई कलाकार बड़ा बैठा है उनको उनके सामने हम बोलने जाइए, इस गंधार इसका ऐसे लगता है, इसका धैवत ऐसे लगता है, मैं हमको बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, हाँ मैं जब बोलने के, जैसे आप अपनी बोले कि इसमें बात करना है तो मैं तो बोलना चाहिए, हो सकता है उनको खराब भी लग सकता है, मैंने कोई हमसे सीनियर भी तो होंगे, बुजुर्ग सामने बैठे हैं, बिल्कुल, तो ये जो है बोलना, गुरु जी बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे और बड़े वो संत प्रवृत्ति के आदमी थे, उनकी प्रवृत्ति संति वो लालची प्रवृत्ति का नहीं थे। एक बार मैं वाकया बता रहा हूं, गुरु पूर्णिमा था, पहली गुरु पूर्णिमा थी मेरी, तो मैं वहां पहली बार गया, एक दिन पहले पूछा गुरु जी कल आना है, बोला कल क्या है, मैं बोला गुरु पूर्णिमा है,
क्या होता है उसमें? गुरु जी बोले क्या होता है उसमें? हमने कहा हम गुरु जी की पूजा करते हैं, हम आपकी पूजा करेंगे। गुरु जी बोले नहीं नहीं भगवान की पूजा करने का। तो हमने बोला कि भाई मेरे भगवान तो आप ही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो बहुत बड़ा है। उनका कहने का जो अंदाज था, जो बोलने का अंदाज था उनका, ऐसा नहीं है वो बहुत बड़ा है। हाथ ऐसा करके बोला कि जैसे वो देख रहे हो उनको, भगवान को। तो उनकी ये था कि फिर हमने बोला फिर अच्छा ठीक है तुम आ जाना। तो ये उनका वो नहीं था। हम लोग जो भी लेके गए तो बोले ये क्यों लेके आया? तो फूल माला लेके गए थे। बोला हम माला तो पहनते नहीं है, तो अपने गुरु को पंडित सवाई गंधर्व जी के फोटो पे हम लोगों ने माला चढ़ाया। और वहां जो भी लेके गए थे तो बोले ले हमको थोड़ा सा रख लीजिए हम लोग का, थोड़ा सा उन्होंने रख लिया और फिर हम बाकी हम लोग को दे दिया। तो ऐसा था उनका। और कभी हंसाते भी थे कहीं कहीं कभी कभी किसी चीज पे। तो ऐसा उनका देखने में ऐसा लगता था कि बड़े सख्त वैसे उसके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कभी डांट फटकार भी नहीं मिलती थी। हाँ एक आध बार डांट फटकार मिली है, जैसे कहीं अगर हम कोई बात, जैसे आजकल सीखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सीखने वालों को कोई बात याद नहीं रहती, गुरु ने क्या बोला है, किस अंदाज में बोला है। गुरु के हर सेंटेंस को, उस हर सेंटेंस को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। मेरे गुरुजी जब वहां हम सीखते थे तो उन्होंने बोला, जब हम गए तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे रियाज करना है, तो वैसे ही रियाज करना है। ये थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पूछेंगे आप बाद में तालीम के बारे में पूछेंगे क्या? जी जी बिल्कुल, वैसे तालीम देते बिल्कुल बताएं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बताइए वो। अब जैसे आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे से गाते हैं, या आईपॉड बहुत सारा चला है इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, जैसे कि अपना जैसे जाड़े का दिन है तो रजाई में बैठ गए, अपना हाथ नहीं निकालना पड़ रहा है, उस बिजली से बज रहा है। तो उस समय तो वैसे था भी नहीं वो। तो गुरु जी का कहने के बाद, जैसे ये तानपुरा है ना आप देख रही है, मैं तानपुरा लेके बैठा मिनवल जी जी, ये तानपुरा लेके बैठना। और जैसे अभी तो मैं यहाँ मजबूरी है, कोई इसमें रिकॉर्डिंग में आएगा कि नहीं, तो मैं इसलिए लिटा के इसको रखा हूं। लेकिन गुरु जी की हिदायत थी तानपुरे को खड़ा करके रखना है, और खड़ा करके तानपुरा रियाज करना है। और आसन जो रहेगा वो वीरासन रहेगा, वीरासन। जैसे हनुमान जी का जो राम दरबार में हनुमान जी का फोटो होगा ना, हनुमान जी जैसे बैठे हैं एक पैर मोड़ के, जी जी जी, उस पैर उस तरह मोड़ के, और तंबूरा ऐसे लेके रियाज करना, ये तंबूरा खड़े रहेगा और वैसे बैठ के रियाज करना है। वो वीरासन बोलते हैं उसको, गुरु जी बोलते थे कि मारुति के आसन में बैठना, हनुमान जी के आसन में बैठ के रियाज करना है। और गुरु जी ने बोला कि ये जितनी बंदिशें सीखे हो इसको अभी किनारे रख दो, साल भर तक आकार में रियाज किया, एक साल तक सुबह और राग भी ज्यादा नहीं, सुबह भैरव शाम को यमन, ये लगभग 6-7 महीने चले। उसके बाद गुरु जी से पूछे कि अब जो दोपहर में क्या गाएं, तो गुरु जी ने दोपहर दोपहर में भैरव गाओ। फिर 2-4-10 दिन के बाद फिर से पूछा, फिर बोलना यमन गाओ, वो यमन भैरव का फिर छोड़ते नहीं थे, वो यमन और भैरव ही गाना है। और ये नहीं था कि अब गुरु के घर में बैठे हैं तो वहां भैरव यमन गा रहे हैं, घर में जाकर दरबारी कानाड़ा गा रहे हैं, ऐसा नहीं था। वहां भी ये सोचना है कि गुरु हमारे उनका आदेश है ये। तो उसको उस तरह मान के रियाज करने से फिर फायदा हुआ, काफी फायदा हुआ, आवाज का लगाव तो समझ में आया एक राग को रोजगार। फिर बाद में उन्होंने भीम पलासी गाने के लिए बोला, बाद में बहुत दिनों के बाद बोला भीम पलासी दोपहर में ले सकते हो। इससे क्या हुआ कि 12 सुर हम रोज गा रहे हैं, भैरव में ऋषभ धैवत कोमल, शाम को यमन में तीव्र मध्यम, और भीम पलासी में कोमल गंधार कोमल निषाद, 12 सुर हो गए ना, शुद्ध स्वर और 12 तब मिला के। तो रोज 12 सुर का रियाज हो रहा है, हम उस पे जा रहे हैं। तो अब उसके बाद कोई जरूरत, कुछ दिन 5 साल तक लगभग यही गाए हैं ये 5। फिर बाद में बंदिश गाने लगे, तबले के साथ भी रियाज के लिए, कि राग गाने के लिए यही था कि 5 साल हम 5 साल रहे हैं पूना में, 5 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, उसमें मैंने पढ़ाई नहीं किया, बीए करके छोड़ दिया था, बीए बैचलर डिग्री लेके छोड़ दिया मैंने, एमए तो मैं यहाँ क्या किया। तो 5 साल में केवल भैरव यमन भीमपलासी का रियाज किया,
तो गुरु शिष्य परंपरा की तालीम में यही होता है। अभी तो क्या है, अभी आज रोज राग चाहिए उनको, रोज बंदिशें चाहिए बच्चों को। पंडित जी, आपसे बात करना मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई कहानी किस्सों की किताब पढ़ रहे हैं, और खास तौर पर जब उस कहानी किस्सों में पात्र पंडित भीमसेन जोशी जैसा हो तो वो और ज्यादा जी रोचक हो जाता है। खैर, जी बातचीत तो खत्म करेंगे, और आखिर में चूंकि एक एक पर्सनल मेरी गुजारिश है, बहुत ही प्यारी चीज है, सबने गाई है और आपने भी गाई है, याद पिया की आए कि अगर कुछ लाइन आप गुनगुना दें तो वो एक एक बहुत ही लोकप्रिय भी है और आपका पसंद पसंद में भी है आपके। जी हाँ, वैसे तो वो पटियाला घराने की चीज है। जी जी बड़े गुलाम अली खान से बोले कि आजकल सभी लोग बड़ा शौक से गा रहे हैं, बहुत तो गाते हैं हमको तो जब इसीलिए। फर लेकिन हमको जब फरमाइश होती है तभी हम गाते हैं। जी, ओके तो हाँ, हमको जब फरमाइश होती है तभी गाते हैं। वैसे पंजाब की बहुत सारी चीजें हैं, पंजाब अंग की हम गाते हैं, जैसे काफियां भी गाते हैं हम, बुले शाह की काफी, मुल्तानी काफी, ये सब जो है गाते हैं। तो ये फरमाइश हुई थी, ये वो बजमे खास एक चैनल है, उसमें हमारे गुप्ता जी ने फरमाइश किया था, तो हम तब हमने गाया था। तो ये बहुत पहले हम गाए हैं, बनारस में जब थे तो हमें एक बार बनारस में BHU में मैंने गाया था, पहले पुरिया गाया था, उसके बाद से लाइट में ये याद पिया किया गाया था। जी तो अब हम लोग जैसे तो सबका अपना अपना अंदाज थिंक क्या है कि बड़े गुलाम अली खान साहब की चीज है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की चीज है, तो उनको तो याद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि जिनकी चीज है उनको तो याद करना ही होगा। फिर थोड़ी हरकतें इधर उधर होंगी, अलग होंगी, तो उसी से मिलती जुलती रहेंगी। बिल्कुल। हरकते ऊपर जो है ये बड़े गुलाम अली खान साहब की है। बड़ी उमरिया सुन दस जगिया, उमरिया सुन दस जगिया, उमरिया सुन दस जगिया, जो बल याद प्यार याद प्यार याद प्यार याद प्यार याद प्यार। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत शानदार निश्चित बातचीत रही। और सच कह रहा हूं, दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन लगा नहीं कि कोई इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लगा जैसे कि आप जी अपने बचपन की कहानियां बता रहे हैं, देवरिया गोरखपुर से लेके बनारस से लेके और वो सारा जो सफर रहा उसकी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद, आपने हमें यहाँ अवसर दिया इसके लिए, नहीं नहीं इसके हम लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद।